Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, guys, welcome to another vlog. So, अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और लास्ट टाइम बारिश हुई थी तो बहुत ज़्यादा प्यारी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं. तो अभी हो रहा है इशराक का टाइम होने ही वाला है, तो इसीलिए हमने जाना है मस्जिद कुबा, क्योंकि आज है सैटरडे. और अगर आप लोगों को पता हो तो अगर हम सैटरडे को मस्जिद कुबा जाके नफल पढ़ते हैं तो दो नफल काम है, एक उम्रे जितना सवाब मिलता है. तो अभी हम ढूंढेंगे टैक्सी और फिर इंशाल्लाह चलेंगे मस्जिद कुबा की तरफ. और ये छतरियाँ भी खुल चुकी हैं, मेरे ख्याल फजर के टाइम ही खुल जाती हैं ये, जब फजर की अज़ान हो. हम आए थे मेन रोड पे टैक्सी लेने के लिए और बाबा भी किससे बात तो कर रहे हैं. क्या वो कितना 70 तौबा. तो हमें ये टैक्सी मिल चुकी है और चलते जल्दी जल्दी बैठते हैं टैक्सी में. माशाल्लाह और वो है ना रास्ता मस्जिद कुबा वाला पुराना रास्ता. माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम भी हो रहा है और ये प्यारी सी कैट भी बैठी हुई है. मस्जिद कुबा के एंट्रेंस और गाइस इसे कितना प्यारा मौसम हो रहा है कि मुझे ठंड लग रही है लिटरली. और अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट में मैंने मस्जिद कुबा में तिलावत भी की थी सूरह अलक कुल अल्लाह सूरह कौसर की.
माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ज़्यादा प्यारी जगह। मस्जिद कुबा इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद। वैसे सऊदी अरब में ये बहुत अच्छी बात होती है कि अगर हरम से हम बाहर भी हों तो हमें इस तरह की मस्जिद मिल जाती है जिनमें हम जाके नमाज़ पढ़ सकते हैं। और औरतों के लिए तो ये सबसे बड़ी सहूलत है कि वो बाजमात नमाज अदा कर सकती हैं। इशराक के नवाफिल पढ़े, अब जा रहे हैं बाहर की तरफ। जब मैं बहुत छोटी होती थी तो इस जगह पे तो बहुत ज़्यादा ग्रासी लॉन्स होते थे। इन्होंने वैसे ना ये पुरानी चीज़ जैसे ख़त्म कर दी हैं, जैसे पुरानी मस्जिदें नहीं हटानी चाहिए थी ना, थोड़ा सा उसे रेनोवेट करते थे। तो सारी ये तो सारी उतार के नहीं बनाई हुई है। ये कौन सी जगह? माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वो जो ग्रासी लॉन था वो जगह थी जहाँ पे जब आप मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे तो वहाँ यहाँ पे उनकी ऊँटनी जो थी वो आकर बैठी थी। बट अब उन्होंने वो सारा ख़त्म कर दिया, वहाँ पे टाइल्स वगैरह लग गए हैं क्योंकि माशाल्लाह नमाजियों की भी तादाद बढ़ती जा रही थी। चलें, हर चीज़ में अल्लाह की बेहतरी होती है। अब उन्होंने उन्हीं जगहों पे सफ लगा के ऊपर आप लोग देख सकते हैं सामने छतरियाँ भी लगा दी हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमेशा हमारी मस्जिदों को इसी तरह आबाद रखे। सुबह सुबह का वक्त है और सबको बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है। ऊपर से जो टैक्सी वाले अंकल हैं वो भी हमारे सर हैं। तो अब हम जा रहे हैं जी होटल की तरफ। और अलहम्दुलिल्लाह आज हमारा मतलब मस्जिद कुबा का बहुत अच्छा रह गया, सारा टूर वगैरह ब्लॉग भी अच्छा बन गया। और आप लोग देख सकते हैं इस वक्त मदीना में इतना प्यारा मौसम हो रहा है, इतने प्यारे प्यारे बादल हैं। तो चलते हैं होटल की तरफ और फिर वहाँ जाके देखेंगे कि अब क्या करना है जाके। पाकिस्तानों में देखा, जब पाकिस्तानों में देखा तो था एक बाग खजूर होते हैं। माशाल्लाह कितने प्यारे हेयर से इसके तो मैंने कहा कि इतनी क्यूट सी बिल्ली बैठी प्यारी। एक बात बताऊँ आप लोगों को इस बिल्ली के बारे में, जिस दिन से हम आए हैं ये उस दिन की इधर ही रहती है। और हमें होटल के गार्ड अंकल ने बताया था कि जो बिल्ली है 5 साल पहले इस होटल में आई थी और अभी तक इस होटल के आसपास ही घूमती रहती है माशाल्लाह। चलें एक और हमें मज़े की चीज़ पता चल, इंशाल्लाह अगली दफ़ा अगर अल्लाह ने बुलाया तो ज़रूर आके देखेंगे कि इस बिल्ली का क्या हाल है, किधर होती है आजकल। तो ये थी हमारी मस्जिद कुबा की वीडियो। आप लोग को मैंने कहा कि ज़रा बताएं कि अगर आप लोग मदीना आते हैं और सैटरडे आते हैं तो ज़रूर जाएं मस्जिद कुबा और वहाँ जाके दो नफल या फिर और नफल अदा करें, क्योंकि वहाँ पे दो नफल का सवाब एक उम्रे के बराबर है। तो वीडियो कर लेते हैं एंड, सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।